हाय फ्रेंड्स, आई एम अंबिका एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आप सभी लोगों का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़िया लोगों का फेवरेट डिश डालमा, जो कि रोटी और चावल के साथ खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर में करीब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, और दाल को भी हमने अच्छे से धो लिया है। अभी दाल को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए, कुछ हरी सब्जियां को भी हमने कट करके रख लिए हैं, अभी इसको भी इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से हरी सब्जियां ले सकते हैं। देखिए, अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और करीब 2 सीटी आने तक उसको बॉईल करेंगे। तो देखिए, सीटी हमारा लग चुका है। अभी हम पैन को गरम कर लेंगे और अभी थोड़ा सा खाने का ऑयल डाल देंगे। देखिए, ऑयल भी गरम हो गया है। अभी एक तेजपत्ता उसमें डालेंगे और एक सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पंचफोरन भी डाल देंगे। अभी इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। और अभी इसमें हम करीब 1/2 कप कटा हुआ ऑनियन डालेंगे। और ऑनियन को थोड़ा सा भून लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, और इन सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अभी हम करीब 1/2 कप कटा हुआ टमाटर इसमें डालेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें जो दाल हमने बॉईल करके रखा हुआ था उसको इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मिला लिया है। अभी हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है। तो फिर चलिए इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डालमा पूरा तैयार है। आप लोग भी इसे घर पर जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी मेरे एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।